हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल वैशीद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ताहिर के बाबा की डेथ हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। ताहिर के बाबा इस दुनिया से वफात पा गए। आगे ताहिर की जिंदगी काफी हार्ड होने वाली है, क्योंकि एक तरफ ताहिर की फैमिली ने सारी जमा पूंजी बाबा के इलाज में लगा दी, तो दूसरी तरफ काफी जगहों से लोन भी लिया। ताहिर के बाबा के जाने के बाद तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ताहिर पर आ गई हैं, लिहाजा अब तो वो बाहर भी नहीं जा सकता। एक और न्यूज जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी कि आसिफ चला जाएगा अपने फ्यूचर की खातिर आउट ऑफ कंट्री, और ऐसा ही हुआ। आसिफ को ऑफिस से अपॉर्चुनिटी मिली है आउट ऑफ कंट्री जाने की, और उसने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। ये गुड न्यूज आसिफ सुनाता है सोबिया को, और सोबिया को सुनकर खुशी तो होती है, साथ ही साथ वो रोने भी लग जाती है, क्योंकि वो अभी आसिफ से दूर नहीं रहना चाहती। यहाँ पर आसिफ सोबिया को ये भी बात बताता है कि मैंने अपने और तुम्हारे रिलेशन के बारे में अपनी माँ से बात की है। आसिफ को ये बात मालूम है कि ताया अबू सोबिया का रिश्ता अपने बेटे आमिर के लिए लेना चाहते हैं, लिहाजा वो आज इस बात को भी सोबिया के साथ क्लियर कर देता है। पहले तो वो उसको काफी सख्ती से मना करता है कि तुम तायाबू का कोई काम ना किया करो, वो मेरे सौतेले बाबा हैं और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लिहाजा मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब तुम उनके काम करती हो। साथ ही साथ उसको अपने खदशात भी बता देता है कि मैं इसलिए तुम्हें रोक रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी मेरे अलावा किसी से भी हो, यहाँ तक कि आमिर से भी नहीं। बचपन से लेकर आज तक मेरे हिस्से की हर खुशी आमिर को मिली है, अब तुम्हें मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। यहाँ सोबिया भी थोड़ी सेंटी हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम मेरे बारे में फिक्रमंद ना हुआ करो। अभी तो सोबिया आसिफ को काफी ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में जो लड़के भी हैं, मतलब आसिफ और ताहिर, उनमें से आसिफ ही बेस्ट है। अगर आसिफ जो है वो कभी कभी सोबिया के साथ काफी हार्शली बात करने लग जाता है, हमें अपने माइंड में ये चीज को हमेशा रखना चाहिए कि जिससे हम प्यार करते हैं हमें हमेशा उससे पोलाइटली बात करनी है। आने वाली कुछ एपिसोड्स में तो हम यही देखेंगे कि सोबिया आसिफ को काफी मिस करेगी, क्योंकि आसिफ बहुत जल्द आउट ऑफ कंट्री चले जाएगा अपने फ्यूचर के लिए, और उसी टेन्योर में आमिर आ जाएगा वापिस पाकिस्तान एक अच्छा काबिल इंसान बनकर। उस टाइम आएगा इस ड्रामा में ट्विस्ट, क्योंकि उस वक्त हम ये देखेंगे कि सोबिया आमिर की तरफ भी अट्रैक्ट होगी। उसने जो वक्त भी आसिफ के साथ गुजारा उसमें ज्यादा अच्छी वो खुद ही है, मगर आमिर के साथ वक्त गुजारने में उसको मालूम होगा कि आमिर काफी केयरिंग है। वैसे भी सोबिया तो अभी तक ये भी नहीं जानती कि आसिफ सिर्फ और सिर्फ उसी की खातिर आउट ऑफ कंट्री जा रहा है ताकि वो एक कामयाब इंसान बनकर लौटे और आते ही सोबिया से शादी कर सके। आप लोगों को क्या लगता है कि सोबिया की शादी आसिफ से होगी कि आमिर से? जल्दी से इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे तो लगता है कि सोबिया की शादी आमिर से होगी, क्योंकि आमिर के बाबा के उस पर काफी ज्यादा एहसान है। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।